नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आदित्य आपके साथ। मुजफ्फरपुर में आज अहले सुबह एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायल को मुजफ्फरपुर के SKMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पे बताया जा रहा है कि उनको 2 गोली लगी है, जो अभी स्थिति उनकी फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए जो परिजन है क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। बताइए, क्या जानकारी मिला है? गोली जानकारी मिला है कि मिलिया ढाला पर घर से लड़का आ रहा था खाना के बथान पर, हम लोग को जानकारी मिला कि गोली मार दिया गया है। तो आए हैं तो देखे हैं कि वास्तव में गोली लगा हुआ है। साहेब वन लेकर के आए हैं। साहेब वन ले आने के बाद में वहाँ से PH वाला रेफर किया मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर लेकर आए हैं। यहाँ गोली लगा हुआ है, सीना में एक हाथ में गोली लगा हुआ है, 2 गोली लगा हुआ है। श्री राम कुमार सहनी। अभी तो जानकारी हमको कुछ मालूम नहीं है, पूछे होगा झमेला मोबाइल वगैरह लेकर के है, वही बताएगा ना। अभी तो बच्चा है ये है। हाँ, वो मेरा छोटा भाई है, हम उसका भाई हुए। माधव भैया मिर्जा ढाला साहेबगंज 9 बजे। मेरा नाम शत्रुघ्न सहनी है, वो मेरा छोटा भाई चाचा का लड़का है। कहाँ पर मारा? किस जगह पर? माधोपुर हजार साहेब। उसके बाद SKMCH में लगा। क्या नाम है? श्री राम कुमार। कहाँ के हैं? माधोपुर हजार। क्या करने गए? आपको जानकारी नहीं है? क्या चीज से था? क्या चीज से था? जैसे हमारा भी आवत होकर मोबाइल इसका लूट के ले गया। मोबाइल लूटने के लेकर गोली मारा थे। आप पिता हुए इनके? क्या नाम है? मेरा नाम श्री कुमार। कौन थाना क्षेत्र का मामला है? साहेबगंज। साहेबगंज में क्या नाम है लड़का? श्री राम कुमार। श्री राम कुमार। श्री राम कुमार। श्री राम कुमार। कई वर्ष के है? 19 वर्ष। तो आपने सुना परिजनों ने क्या कुछ कहा। वही आपको बता दें कि पड़ोसी द्वारा जो है युवक पर गोलीबारी कर दी है। आपसी लड़ाई को लेकर के जो है युवक द्वारा गोलीबारी की गई है, जिसमें एक व्यक्ति को 2 गोली लग गई है। वही गंभीर अवस्था में उन्हें मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। अगर मैंने तो बताया जा रहा है साहेबगंज के माधोपुर के श्री राम कुमार सोनी को गोली मारी गई है, जो उनके पड़ोसी द्वारा चंद्र राय नाम बताया जा रहा है, जिनके द्वारा गोली मारी गई है। वहीं अभी तक हालांकि पुलिस का बयान नहीं सामने आ पाया है, लेकिन परिजनों की माने तो आपसी लड़ाई को लेकर के गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।